आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी चटपटे मसालेदार पंजाबी छोला मसाला। एकदम सिंपल तरीके से हमने बनाया है। यदि जो पहली बार भी बना रहा है तो इसे आसानी से बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। छोला मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप छोले को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। सुबह बना रहे हैं तो रात को भिगा दीजिए। छोले को हम कुकर में डाल देंगे और इसमें हमने 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। हमने यहाँ एक तेज पत्ता लिया है, एक बड़ी इलायची ली है। इलायची थोड़ा खोलकर डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर पानी में अच्छे से आ जाएगा। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 लौंग डाल दीजिए। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। आप चाहें तो 2 पिंच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, पर मैं सोडा नहीं डाल रही हूँ। और अब हम मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 6 सीटी लगाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। सीटी आने के बाद जब कुकर में से प्रेशर पूरी तरह निकल जाएगा तभी हम इसे खोलेंगे। तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 हरी मिर्च और 7 से 8 गलियां लहसुन की ली है। तो सबसे पहले मिक्सर का जार लेंगे और इसमें प्याज डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च और लहसुन, इन सभी को डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक बर्तन में हम 3 से 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। इसको अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें ये प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे। प्याज का पेस्ट डालने से पहले गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और साथ ही मैंने 2 चम्मच पानी भी डाल दिया था। अब गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए प्याज और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पकाना है। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए वरना छोले का टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा। तो प्याज लहसुन पक रहा है, तब तक हम छोले देख लेते हैं पके कि नहीं। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह निकल गया था। एक छोले को हम अच्छे से दबाकर देखेंगे, एकदम प्रेस हो रहा है। छोले एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें से ये खड़े मसाले निकाल देंगे। इसका फ्लेवर पानी में अच्छे से आ गया है और ये खाते टाइम मुंह में भी नहीं लगेंगे। और अब हम टमाटर का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। टमाटर को काटकर मिक्सर जार में डाल दीजिए और साथ ही मैंने 10 से 12 छोले भी डाल दिए हैं और इन्हें पीसकर तैयार कर लेते हैं। इससे जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। छोले अलग, पानी अलग, ऐसा नहीं होता है। और ये देखिए, हमने प्याज के पेस्ट को बहुत अच्छे से भून लिया है। कोई भी सब्जी बनाए यदि मसाला अच्छे से भुनना होता है तो सब्जी टेस्टी ही बनती है, वरना सारी चीज़ें डाल दीजिए। यदि मसाले अच्छे से भुना हुआ नहीं होगा तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। और अब हमने ये टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है, साथ ही मैंने 2 चम्मच पानी भी डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, साथ ही सूखे मसाले भी ऐड कर लेंगे ताकि वो भी भुन जाएंगे। मसालों में हमने यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, तीखे के लिए हमने हरी मिर्च डाली है, 1 बड़ा चम्मच छोला मसाला। इनको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन रखकर पका लेंगे। बीच बीच में इसे चला लेंगे। हमें मसाले को पकाते हुए पूरे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसे 2 बार चला दिया था और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इसकी अच्छी खुशबू आने लग गई है। ये देखिए, हमने मसाले अच्छे
से भून लिए हैं। जब मसाला अच्छे से भून जाता है तो उसका कलर भी डार्क हो जाता है। अब हम ये छोले डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको छोले ज़्यादा ग्रेवी वाले चाहिए तो आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिए, पर मुझे अभी ये परफेक्ट लग रहा है। मैंने छोले उबालते समय 1.5 गिलास पानी डाला था, तो बस अब हम ये छोले को ढक्कन रख के 15 से 18 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में इसे 1-2 बार चला लेंगे। छोले को पकाते हुए हमें लगभग 15 से 16 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसे 2 बार चला दिया था और ये देखिए हमारा छोले मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी आपको इसमें ग्रेवी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ठंडे होने के बाद ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, तो इतनी ग्रेवी ज़रूरी रखना है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और छोले को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें हम घी का बहुत ही टेस्टी तड़का लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो गया है, तो बस अब हम इसमें थोड़े अदरक के लच्छे डाल देंगे। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने बीच से कट कर लिया था। घी अच्छा गर्म है तो अदरक और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हमने 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, तो बस अब ये तड़का छोले पर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारे बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।